आपकी हाइट कितनी है? कभी ना कभी किसी ने आपसे ज़रूर पूछा होगा कि आपकी हाइट कितनी है, और आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि मैं क्यों आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्योंकि जितनी आपकी हाइट है, फॉर एग्जांपल आपकी हाइट है 5.9, वो आपकी बॉडी की हाइट है, लेकिन जब आप एक्स्ट्रा चीज़ें वियर करते हो, फॉर एग्जांपल शूज़ आप ले लेते हो हाई सोल के, या बूट्स आप पहनते हो हाई सोल के, तो उसमें भी आपकी हाइट बढ़ जाती है। और साथ ही साथ जब आप कोई हैट लगा लेते हो या कैप लगा लेते हो या अपने बाल खड़े कर लेते हो। सर खड़े? सर आप तो CSS में हाइट एंड विड्थ पढ़ा रहे थे, खड़े क्या? अब मैं खड़े करने की स्पाइक की बात कर रहा हूँ, ये तीली तो तो उस केस में आपकी हाइट बढ़ जाती है, मतलब आपकी बॉडी की हाइट तो है ही है, प्लस वेरिएबल आइटम्स के भी साथ टोटल हाइट आपकी बढ़ जाती है, जो कि आपकी 5.9 थी वो शायद 5.10 या 5.11 हो जाती है। बस यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के अंदर। खाली हाइट और वेट से काम नहीं चलने वाला, ये चीज़ें भी आपको समझनी पड़ेगी, तभी आप एक प्रो लेवल के डिज़ाइनर बन पाओगे मेरी तरह। तो इस चीज़ को मैं स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। सो माई सेल्फ फैज एंड यू आर वॉचिंग टेक्नोब्रेन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लुक एट दिस गाइस, हम अपनी स्क्रीन पे आ गए हैं और यहाँ पे देखिए हमारे पास टाइटल है, ठीक है, और मैंने स्टाइल टैग ओपन क्लोज कर रखा है CSS के लिए, और यहाँ पे हमारी बॉडी है। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे एक डिव वन बना लेता हूँ और यहाँ पे सेव कर लेते हैं। फिर अंदर चलते हैं स्टाइल शीट के, यहाँ पे डॉट डिव वन करते हैं, बिकॉज हम क्लास से कॉल करेंगे, हमने क्लास बनाई है, और हम यहाँ पे हाइट और विड्थ कैसे देंगे, लेट्स डू। तो सबसे पहले हाइट और विड्थ में देने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं कि पिक्सल में आप करेंगे या फिर परसेंटेज के अंदर करेंगे। ये सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न होती है किसी भी कैंडिडेट के लिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए, कि वो परसेंटेज में देखे या फिर पिक्सल में देखे। तो इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको अभी दूंगा साथ ही साथ में, बट आपको ध्यान से देखना है, राइट। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ विड्थ, ओके, यहाँ पर लिख रहा हूँ 60%, ऑलराइट, मैंने यहाँ पर 60% विड्थ कर दिया, और मैंने हाइट यहाँ पे लिख दी नॉट इन परसेंट, इन पिक्सल ओनली, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 400 पिक्सल, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सेव करा, रिफ्रेश करा, यहाँ पे तो कुछ नहीं आ रहा। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि हाइट और विड्थ दे दी, अरे यार डिव कहेंगे, डिव नहीं आ रहा। भाई साहब, आपने बैकग्राउंड कलर दिया, आपने बॉर्डर दिया, आपने कुछ लिखा या आपने कुछ इमेज एड ऑन करी, नहीं करी ना, तो आएगा ही नहीं यार, बन गया है डिव, बट दिखेगा कैसे आपको, तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आपको लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे एक्वामरीन अच्छा लगता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ। तो लुक एट दिस, यहाँ पे हमारा डिव आ गया है, तो आप देख सकते हैं मेरा थोड़ा परफेक्ट सा स्क्वायरिश सा बन रहा है, 60% विड्थ एंड 400 पिक्सल हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ लेते हैं कि मैंने विड्थ परसेंटेज में क्यों ली और हाइट पिक्सल में क्यों ली। क्योंकि जब भी हम लिक्विड लेआउट बनाते हैं, यानी कि रेस्पॉन्सिव बनाते हैं, रेस्पॉन्सिव वेबसाइट, अब आप देखेंगे, देखो अब मैं ये जो मेरा टैब है इसको मैं बड़ा कर दूंगा, तो आप देखेंगे जो मेरा डिव है, ये देखो बड़ा हो गया ना, इसने मेरी पूरी विड्थ की 60% विड्थ ऑक्यूपाई कर ली है, लुक एट दिस, ठीक है। तो अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको छोटा करूँगा, राइट, तो ये देखो आप, मैंने मान लीजिए ये करा, ठीक है, और मैं इसको छोटा करता जा रहा हूँ, तो लुक एट दिस, ये भी छोटा होता चला जा रहा है, यानी कि पिक्सल्स में देता तो ये छोटा नहीं होता, सिर्फ उतना ही उतना रहता, ठीक है, बट ये रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन है, राइट, इसलिए हम विड्थ परसेंटेज में देते हैं, ताकि अगर मेरी वेबसाइट किसी फ़ोन में खुले तो उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाए, किसी टैबलेट में खुले उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाए, या 13 इंच के मैकबुक में खुले तो उसके हिसाब से हो जाए, या 15 इंच के बिग लैपटॉप्स में खुले तो उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाए। तो ये देख रहे हैं आप, एडजस्ट होते चली जा रही है, होते चली जा रही है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे, इतनी छोटी स्क्रीन मैंने कर दी है, इस स्क्रीन का 100% तो ये पूरा हो गया, बट इसका 60% मैंने दे रखा है, तो 60% ये डिव ऑक्यूपाई कर रहा है। दिस इज द बेनिफिट टू गिव इन परसेंटेज, ठीक है। तो परसेंटेज में हमेशा आपको विड्थ रखनी चाहिए, और हाइट को हम परसेंटेज में क्यों नहीं देते, अभी बताता हूँ। सो हाइट हम परसेंटेज में क्यों नहीं देते, गाइस हाइट हम परसेंटेज में इसलिए नहीं देते क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितनी हाइट है आपकी वेबसाइट की, कितना आपका कंटेंट है, ठीक है। तो हमें हाइट बिल्कुल भी परसेंटेज में नहीं देनी होती है, राइट, इस बात का हमेशा ख्याल रखें। फॉर एग्जाम्पल ये वाला डिव मैंने एक और बना दिया, ठीक है, मैं सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो लुक एट दिस, ये स्क्रॉल बार आ गया, दिख रहा है आपको,
तो स्क्रॉल बार आपको कभी विड्थ में देखने के लिए नहीं मिलता और ना ही आप करोगे। स्क्रॉल आप मोबाइल से ऐसे ऐसे करते हो ना, ठीक है, हाइट में, ना कि विड्थ में ऐसे ऐसे करते हो। तो विड्थ के हिसाब से तो अपना कंटेंट एडजस्ट हो गया और हाइट में आप स्पेकुलेट नहीं कर सकते कि कितना आपको परसेंटेज या कितनी लंबी हाइट आपको चाहिए, राइट। तो हमें कंटेंट अप से डाउन में जाता है, दैट्स वाई हम कभी भी परसेंटेज में हाइट नहीं लिखते हैं, हमेशा पिक्सल में लिखते हैं या फिर ऑटो करते हैं। और ऑटो का खेल भी मैं आपको आगे समझाऊंगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, राइट। तो अभी मैं फिलहाल इस डिव को हटा देता हूँ, ठीक है, आई डोंट वॉन्ट दिस, ओके। हमने विड्थ दे दी है, हाइट दे दी है, तो आपको समझ में आ गया है कि विड्थ परसेंटेज में क्यों देनी है और हाइट हमेशा पिक्सल में क्यों देनी है। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट लिख देता हूँ, ठीक है, कुछ डेमो कंटेंट लिख देता हूँ मैं, ओके। मैंने यहाँ पे सेव करा, रिफ्रेश करा, तो लुक एट दिस, यहाँ पे मेरा डेमो कंटेंट आ गया है, ठीक है। मैं इसको एक बार और कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, रिफ्रेश करा, तो लुक एट दिस, अब मेरा कंटेंट है वो, अब जो मेरा कंटेंट है वो डिव से बाहर जा रहा है। ये तो प्रॉब्लम हो गई यार, कि मुझे पता ही नहीं था कि मेरा जो कंटेंट है 400 पिक्सल के हाइट में आ जाएगा, यानी अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई ना। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कैसे करना है, आपको हाइट देनी ही नहीं है आपको हाइट देनी ही नहीं है, आप सिर्फ विड्थ दीजिए, रिफ्रेश करिए, लुक एट दिस, कि जितना कंटेंट है अपने आप हाइट एडजस्ट होती चली जाएगी, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लीजिए एक और कंटेंट पेस्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो लुक एट दिस, अपने आप हो गई ना हाइट। दिस इज कॉल्ड हाइट ऑटो। आप हाइट कॉलन ऑटो लिख लें या फिर दे ही ना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, प्लस हम इसके अंदर बाउंडेशन भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है यार, वो तो वो कॉन्टेंट दे ही जा रहा है, दे ही जा रहा है, ऐसे तो बहुत ज़्यादा हाइट बढ़ जाएगी, तो हमें बाउंड करना है कि नहीं भाई 600 पिक्सल तक रहे अगर एक्सटेंड होना है तो, यानी कि थोड़ा साइज़ हमारी हाइट का बड़ा रहे अगर एक्सटेंड होना है, अदरवाइज इतना दिखे, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम बाउंड कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं हम मिनिमम हाइट मैक्सिमम हाइट और मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ। इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा डिटेल्ड में समझाना है, एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बना रहा हूँ। इसमें भी करा सकता था, जैसे कि मैंने मार्जिन और पैडिंग में बहुत ही डिटेल्स वीडियो बनाई है, बट ये थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है, तो मैं वहाँ पर रेस्पॉन्सिव चीज़ें भी आपको बताऊँगा, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा इसके बारे में। तो अगर आपको CSS सीरीज़ अच्छी लग रही है मेरी, जीरो टू हीरो ये वाली सीरीज़, तो मुझे कमेंट में लिख के एक बार ज़रूर पोस्ट करा करो, मोटिवेट करा करो, तभी मैं वीडियोज़ आपके लिए जल्दी जल्दी लेके आ पाऊँगा, राइट। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन किल ऑफ योरसेल्फ विद टेक्निक।